तो हम लोग को क्रिएटर सुपर 30 में सभी लोग को स्वागत है। आज दीपावली है तो हैप्पी दीपावली। और क्लास तो चलते रहेंगे, 6.1 6.2 का हम लोग ने वीडियो रिलीज कर दिया है, उसकी थ्योरी को कर दिया था। वह थ्योरी था बीपीटी, बेसिक फोकसनल थ्योरम। उसमें तुम्हारे पास जो है 6.1 6.2 बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग 6.3 करेंगे, तो उसमें एक वर्ड आता है सिमिलर। पहले हम लोग सिमिलर को समझेंगे कि सिमिलर होता क्या है, और जितना बेहतरीन अगर आपने सिमिलर को समझ गया, तो सिमिलर से भी पहले आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। क्योंकि यहां पर आपको जो है बातें को हम लोग करेंगे अच्छे ढंग से, सब लोग जो भी देखेंगे या ऑनलाइन ऑफलाइन में जो भी सज्जन जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को दो वर्ड को पहले समझना होता है। पहला वर्ड होता है कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट क्या है, ये बात को जानना जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंट क्या है। इधर हमने डाल दिया कॉन्ग्रुएंट और इधर डाल दिया सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट आपको 9 क्लास में पढ़ना, इससे पहले आपने 7 क्लास में पढ़ा होगा एक्टिविटी का। ये आपको 8 क्लास में होना चाहिए था और 10th में अभी है। तो यहां पर दो वर्ड है, एक कॉन्ग्रुएंट, इसको हिंदी में आप अगर समझेंगे तो इसका हिंदी होता है सर्वांशम, मतलब सभी अंग से समान, एंगल से, साइड से। यानी इसका अगर कॉन्ग्रुएंट का डिफिनेशन अगर डालेंगे, अगर ये हाथ इस हाथ का कॉन्ग्रुएंट है, तो जब एक दूसरे पर रखा जाए तो यह पूरा पूरा, यह क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। यानी कॉन्ग्रुएंट समझने में कोई तरह का दिक्कत, इसीलिए से कहा जाता है कि पहले तो यह इक्वल है ही और इसके साथ एक, ये सिंबल आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। सिमिलर में देखिए क्या होगा, क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम होगा लेकिन क्रॉस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। क्रोस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब ये समझिए कि जैसे आपके पास 1 रुपया का सिक्का है और किन्हीं के पास 2 रुपया का सिक्का है और किन्हीं के पास 10 रुपया का सिक्का है, सिक्का ही नहीं। अगर इसके रेडियस की हम बात करें और इसकी रेडियस की बात करें और इसकी रेडियस की बात करें, तो अगर हम लोग 10 रुपया का सिक्का और 2 रुपया का सिक्का की अगर हम बात करें, तो आपका यह क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ग्रेट में हम लोग क्या हो। अब यहां पर देखिए 10 का सिक्का है और ये 2 का सिक्का है और इसको हम लोग रखेंगे तो आपके जो है सिमिलर तो है लेकिन ये पूर्ण रूप से कांग्रेस है। तो यहां पर हम लोग ये भी बात तो करेंगे कि आपका 2 रुपया का सिक्का आपके पास है और उसी सेम साइज का 2 रुपया का सिक्का मेरे पास है और एक दूसरे पर पूरा पूरा ढक लिए तो वह कांग्रेस हो गया और उसकी अगर वह साइड प्रोपोर्शनल है तो सिमिलर। यानी यहां पर आप एक चीज को समझ सकते हैं कि प्रत्येक कॉन्ग्रेंट, प्रत्येक कॉन्ग्रेंट को सिमिलर कहा जा सकता है लेकिन प्रत्येक सिमिलर को कॉन्ग्रेंट नहीं कहा जा सकता। यानी आपको यहां पर क्लियर हो गया कि जो भी कॉन्ग्रेंट है वो सिमिलर है, क्योंकि आप देखिए हम सिंबल में देखिए सिमिलर का सिंबल दिया हुआ है और साथ में सिमिलर के साथ इक्वल दिया हुआ है, माने सिमिलर तो है ही और साथ में इक्वल है, तब ये सिंबल कॉन्ग्रेंट का है। लेकिन सिमिलर का तो सिंबल आप ए देंगे, ये सिमिलर है।
तो जहां पर ये कोरस्पॉन्डिंग साइड की बात करेगा, अब सिमिलरिटी होने का क्या कैटेगरी है, कब सिमिलर होगा, इसी को हम कैसे प्रूव करते हैं, ये चीज को जानना जरूरी है। तो हम आपको इसके लिए 9th क्लास का, जो विद्यार्थी अगर 9th क्लास का कंस्ट्रक्शन नहीं जानते, 9th क्लास का प्लेलिस्ट में जाइए और कंस्ट्रक्शन को हमारा देखिए, क्योंकि एक्टिविटी आपका कंस्ट्रक्शन से आपका क्लियर होगा। विदाउट कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में भी आपको फ्री हैंड करना है। फ्री हैंड करने का सेंस कि आपको आर.एस. अग्रवाल जी, बहुत सारे ऑथर जी ये लिख देते हैं कि आपके पास कंपास होना चाहिए, रूलर होना चाहिए। नहीं, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप उसको ड्राई रन करवाइए। अभी मैं कुछ कंस्ट्रक्शन बनाने का आपको हम कैटेगरी बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे बन सकता है। तो वो आपका जो है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इस पर मुद्दा पर करेंगे, या तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के 9th क्लास का मेरे कंस्ट्रक्शन चैप्टर को देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं और कंस्ट्रक्शन का रियल थ्योरी क्या है। तो थोड़ा सा मैं इस पर पेश करना चाहूंगा, तब वहां पर आप ज्यादा अच्छा से देख सकते हैं। तो देखिए, आपको अंदाज ही स्केल है, आपका अनुमान ही क्या है, स्केल है। स्केल का डिफिनेशन क्या हुआ, समझ में आया? जैसे आपने यह कोई लाइन पार दिया, आपने यह ऑरिजिन को ले लिया, अब एक यूनिट का आने का सेंस क्या हुआ, एक यूनिट सेंटीमीटर में भी हो सकता है, इंच में भी हो सकता है, फीट में भी हो सकता है, बोलो हो सकता ही नहीं। तो आपकी जो अंदाज है, अंदाज को मेरे देखो, यही एक स्केल है। ऐसा कोई नहीं जरूरत है कि आपको स्केल लेने की जरूरत है। आप यहां से देखो, इसको आपने एक यूनिट माना, एक यूनिट माना, गौर से सब लोग देखिए, एक यूनिट आपने इसको माना है। अगला यूनिट को दिखा करने के लिए आप कोशिश करना है कि इतना ही बड़ा हो। अब देखो, इसको कंपेयर करके देखो, ये छोटा पड़ गया है सर, अंदाज सही नहीं है, अंदाज अंदाज सही, कलर चेंज कर देता हूं या। हाँ, अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पहले क्या देखा, छोटा पड़ गया, फिर क्या देखा, बड़ा पड़ गया। यानी अभी आप यही सोचेंगे कि आप 5-6 क्लास में पढ़ते हैं, आपके लिए स्केल चाहिए, चाहिए। और स्केल को नापने के लिए फिर आपको डिवाइडर चाहिए, 2 सुई वाला, और आपके पास तो कुछ नहीं है आपके पास, तो फिर देखेंगे फिर इसको दूसरे क्लास। आप देखिए, लगभग तय हो गया, तो ये 0 है, ये 1 है, ये वाला क्या हो गया, अगला तुम लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 3 कहाँ होगा, पता चल गया। यहां पर तुम्हारे पास क्या हो गया, 3। फिर देखो, तुम्हारा अंदाज सही हो जाएगा, 4, 5, बोलो 6। इसको हम पैक कर लिए, एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे अगर कोई पूरी बनाने की बात, पहले गांव में क्या होता था, रोटी टाइप का बना दिया, कटोरा से गोल गोल काट देता था, बोलो। फिर क्या हुआ, अंदाज उसका सही हो गया, घुमाया, सब बराबर 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 पूरी होता है, होता है कि नहीं होता है? है? तो क्या उसका मेजरमेंट किया गया, कोई रखा गया सांचा? अरे हम तो ये कहते हैं कि समोसा बनाने वाले भी, जो क्या होता है, पैरुकिया वगैरह जो बनाते हैं ना, अगर वो सही से लेडीज वर्क करे तो पैरुकिया का कोई सांचा नहीं होना चाहिए, वो बना देगा, नहीं बना देगा, और सब बराबर बराबर हो जाएगा। जैसे आदमी वेजिटेबल्स काटता है कि नहीं करता है, पहला दिन क्या हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, कुछ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, फिर धीरे धीरे अंदाज से क्या होता है, बराबर होने लगता है कि नहीं, लगता नहीं लगता। तो सबसे बड़ी चीज है, आपको स्केल नहीं होना चाहिए, आपकी अंदाज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंदाज आपका हो गया, क्योंकि आपका यह 10th क्लास में हमको जरूरत है, ये करने आ गया, कोई दिक्कत। अब प्रश्न यहां पर यह आता है कि अंदाज आपका तो सही हो। अब तुम कहोगे कि आपके पास सर कंपास नहीं है, हम तो कहते हैं कि सबके पास कंपास है। इसको आप मीडियम मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इसको पेंसिल मान लीजिए, देखिए घूम रहा है,
घूम रहा है। कंपास का काम क्या काम है? आर्क लेना, क्या लेना? आर्क, आर्क का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर हम बात करें, ये लाइन है, यहां पर आपने पॉइंट ले लिया, ये आपके हाथ को ऐसा रखा, यहां देखो हाथ को मैं रखा हूं, रखा, और ये रहा हमारा प्रोजेक्शन। अब यहां पर ये बात क्लियर हो गया कि हम खींच सकते हैं, और चूंकि डिजिटल बोर्ड है तो मेरे हाथ में काम करने लगा पेंसिल का, लेकिन आपकी कॉपी तो काम नहीं करेगा, तो वहां पर भी आपको अंदाज ही काम करेगा। तो कुछ एंगल बनाने के कुछ रूल होते हैं, फिर बाद में डिटेल आपको जिनको देखना रहेगा कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर देख लेंगे, चूंकि आज हम लोग को 6.3 भी कंप्लीट करना है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहां पर एंगल बनाने का क्या रूल है बताएं? फर्स्ट स्टेप में कौन कौन सा एंगल बन जाएगा? पढ़े हुए नाइन्थ क्लास क्वेश्चन ये है कि वन स्टेप में कौन कौन एंगल बनेगा? मल्टीपल ऑफ 60, मल्टीपल ऑफ, क्योंकि जो कंपास होता है ना वो 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? कितना डिग्री का होता है? तो पहला बार में क्या बनेगा? मल्टीपल ऑफ 60, मल्टीपल ऑफ, क्योंकि देखो यहां पर ध्यान देना, क्योंकि मैं अपने हाथ से करूंगा तो हाथ में तो दिखा देगा, तो तुम तो बोलोगे सर ने मैं वाली कर लिया, तो इसलिए हम तुम्हें चाहता हूं कि ये आपका ऐसे आया। बोलो यहां से पहला बार कट करते हो तो क्या मिलता है, जल्दी बताओ। अगला बार कट करोगे क्या मिलेगा? अगला बार कट करोगे क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? यानी फर्स्ट स्टेप में बनता है 0 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री। क्या बनता है? मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री। स्टेप वन में क्या बनता है जल्दी बताओ? मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री। बोलो यस या नो? यानी फर्स्ट स्टेप में बनता है 60 0 जा 0 एंड 60 120 180 240। बोलो फिर काहे को नाराज? 300। बोलो यानी फर्स्ट स्टेप में बन सकता है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 100, 120 के बाद आपका है 180, 240 एंड 300 एंड 360। अब तुम एक बात बताओ, सोचो स्टेप टू में क्या है तुम्हारे पास? है पहले से मार्कर था, इसको दो भाग में तोड़ दिया। अगर पेंसिल होता तो दो पेंसिल हो जाता कि नहीं हो जाता? यहां 0 और 60 के बीच में कलर चेंज कर देता हूं, कलर देखो 0 और 60 के बीच में क्या हो गया जल्दी बताओ? यानी स्टेप टू में क्या बनेगा जल्दी बताओ? मल्टीपल ऑफ 30 डिग्री, और इंच का प्रोग्राम लगेगा। किसका प्रोग्राम लगेगा जल्दी बताओ? इंच, इंच समझते हो? नहीं देखो, ये गांव में पहले बहुत बड़ा चीज होता था। क्या होता था? कोई पार्टी होता था ना, तो आदमी पहला पार्ट में भी खा लेता था, लास्ट में भी खा लेता था, तो कहना पड़ता था कि देखिए जो पहले खा लिया है दोबारा मत खाइएगा। यानी जिस एंगल को आप पहला बना लिए हैं उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। यानी यहां पर यह 0 डिग्री और यहां पर 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 और 360। बोलो यह सर। तो जो जो पहले से खाना खा लिया है, जो जो पहले से खाना खा लिया है, जो जो पहले से खाना खा लिया है उसको बनाना नहीं है। यह स्टेप टू हुआ। किसको नहीं बनाएंगे? 0 डिग्री। किसको नहीं बनाएंगे? ये सब ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए ये कहलाया तुम्हारा दोस्तों इफ एंड एल्स। एल्स का मतलब ये होता है कि जो यूज हो गया उसे दोबारा ना करें। समझ में आया?
बोलो थर्ड स्टेप में क्या हो, थर्ड स्टेप में बोलो। जीरो और 30 की बंटवारा करोगे तो मल्टीपल ऑफ 50 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 50 डिग्री, तो यहां 0 डिग्री हो जाएगा, बोलो 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 90, 105, 120, 135, 150, 165, सो अच्छा तो जो तुमको पहले से हो गया है, पहले से कौन कौन हो गया है जल्दी बताओ। जी 0, 13 हो गया है, 60 हो गया है, 90 हो गया है, 120 हो गया है, 150 हो गया है, बोलो। नहीं ना, देखोगे अब समझ में आया। और फोर्थ स्टेप में क्या बन सकता है जल्दी बताओ। मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री, बोलो मल्टीपल ऑफ। अब तुम्हारा दिमाग खुला, इन नाइन्थ में तुम्हारा दिमाग नहीं खुला था, क्योंकि नाइन्थ में लोग क्या कराते हैं कि 30 डिग्री के एंगल बना वाला हवा 1 डिग्री। अरे भाई बताओ पहले कि स्टेप क्या होगा, कितने स्टेप लगेंगे, उसकी क्या बनाने का तरीका है, ये जानना जरूरी है। आया कि नहीं आया? यानी अगला में पहला बनेगा कितना डिग्री का जल्दी बताओ। 0 डिग्री, 7.5, 15, 22.5, 30, बोलो 37.5, सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, बोले बनेगा कि नहीं बनेगा। Yes. करने आया Yes. और अंदर हम बात करें ना तो इसको भी कर सकते, लेकिन इतना अंदर बात करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इतने पर काम चल जाएगा। बोलो हाँ चाहे ना। नहीं आया? यानी फर्स्ट स्टेप पे बनता है। थोड़ा मैं इसको जो कलर आप लोग को पसंद है उस कलर से लिख देता हूँ, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर के पीछे सब लोग बने रहते हैं। यानी पहला बनता है मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री, फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है जल्दा। फिर क्या बनता है जल्दा, वेरी गुड। फिर क्या बनता है मल्टीपल अच्छा ऑफ 15 डिग्री, फिर क्या बनता है 7.5 डिग्री। यस यारो, आया कि नहीं आया? यानी अगर हमारी बात करोगे ना, क्लास वर्क या होमवर्क की बात करो, हम तो कहते हैं क्लास में ही वर्क, क्लास वर्क हो गया, होमवर्क सब एक ही दिन हो गया सब, चूंकि क्लास भी है, होमवर्क भी है, ये सब है। तो यहाँ पर देखोगे कि अब तुमसे जो प्रश्न पूछेगा तो क्या कहेगा कि 0 डिग्री का एंगल बनाइए, क्या पूछेगा, 60 डिग्री का एंगल बनाइए, 120 का एंगल बनाइए, 180 का एंगल बनाइए, 240 का एंगल बनाइए, 300 का एंगल बनाइए, 360 का एंगल बनाइए। क्या बना देंगे? जितने लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, क्या बना दोगे? यस या नो? बना दोगे नहीं बना दोगे? अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन वर्ड है, तुम लोग कह दिया कि बना देंगे लेकिन नहीं बनाओगे, क्योंकि अभी 0 डिग्री को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, 180 को डिफाइन करना जरूरी है, और 360 को डिफाइन करना जरूरी है। देखो 0 डिग्री का हम एंगल बताते हैं, हमने टेक्निकल टीम को खींचा और ये खींचा गए, दिस इज द 0 डिग्री, दिस इज द यानी डायरेक्शन क्या हो, सेम, दिस इज द 0 डिग्री। ये 0 डिग्री बनेगा कैसे, ये बात को जानना जरूरी है। तो यहां पर तुम्हारे पास देखो, यहां पर भी लोग, यहां पर ये तुम्हारे पास ये पी था और ये बी था और ये वाला एस, बोलो यस सर। अभी ये ऐसे खींच रहा था, अगर पी यहां आ गया कैसे, पी यहां आ गया कैसे, बताओ, पी यहां आ गया, पी यहां आ गया, खींच लिया कि नहीं, 0 डिग्री समझा कि नहीं। अर्थात दोस्तों परपेंडिकुलर 0, तो परपेंडिकुलर जब 0 हो जाए, परपेंडिकुलर 0 हो जाए और बेस हाइपोटेनस का इक्वल हो जाए, बेस हाइपोटेनस का, तो
उस सेंस में क्या बन जाएगा? 0 डिग्री के एंगल, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यानी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये ऐसे हुआ, यही आपका 0 डिग्री हो गया। बोलो यस या नो। अब हम बात करेंगे 180 डिग्री का, क्या बात करेंगे? तो यहां पर ये इंसान इधर खींच रहा है और ये इंसान इधर खींच रहा है, तो यहां पर कितना डिग्री का अंतर बन गया? कोई दिक्कत? आप फिजिक्स में वर्क भी यूज कर सकते हो दोस्तों, फिजिक्स में वर्क यूज कर सकते हो। अगर ट्रक को कोई बाइक वाला ठक्कर, बोला तो ट्रक आगे बढ़ेगा कि बाइक वाला पीछे होगा? तो 180 डिग्री का होगा कि नहीं? वहां पर वर्ड यूज होगा रैम। क्या होगा? वर्ब है, इंग्लिश में वर्ब है, इसका मतलब होता है ठोकाना। और ठोकने से आप रिटर्न पीछे हो जाइएगा, तो वही होता है रैम कर गए। क्या कर गए? समझ में आया? लेकिन तुम सोचो कि तुम बाइक पर हो, अब पीछे से कोई ट्रक वाला तुमको धकेल देगा, बोलो आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो 0 डिग्री का बना कि नहीं बना? और जो कंप्लीट एंगल होता है, यानी जहां से तुम चला और वहां पर पहुंच गया, तो इसी कंप्लीट एंगल को 360 डिग्री बोलते हैं। बोलो यस या नो। अब तो मैं चर्चा करूंगा 60 डिग्री का एंगल बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 120 का बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप सब लोगों को क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेप सब लोगों को क्लियर हो गया? ये वीडियो तो 9th वाले को भी बहुत अच्छा हो जाएगा, 10th वाले को बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमने तो यही मैंने कोशिश ही किया है ना। अब प्ले लिस्ट में ढूंढिएगा तो बड़ा तकलीफ होगा, इसलिए डायरेक्ट भेज दूंगा। करने आ गया सब लोग को? अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में जो एंगल हमारा बनेगा वो मल्टीपल ऑफ 30, मल्टीपल ऑफ 30, यानी यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, अगर हमारा 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 224 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री। बोलो यस नो। इसमें से कौन कौन एंगल बना दिया है? 90 डिग्री बनाए हैं। देखिए काहे हमको तकलीफ आप देते हैं? देखिए किसी को कोई, किसी भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं दे सकता है, कोई तकलीफ नहीं दे सकता है, क्योंकि तकलीफ देने का किसी को कोई पावर नहीं। जब कोई खुशी नहीं दे सकता है तो तकलीफ देने का भी पावर नहीं आया। यानी 30 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको 0 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, और कितना बनाना पड़ेगा? 60। बोलो Yes. तो 30 डिग्री का एंगल को बनाने के लिए ये 0 है, ये 60, ठीक, और यहां पर ये कट कर गया, ये बन गया 30 डिग्री। बोलो यस या नो। Yes. यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो बात करें तो कैसे हम लोग को बनाना है, ये क्लियर हो गया है जी सर। हेलो, तो हम बात करेंगे कि 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। क्लियर हो गया? यहां से देखो, इसको ऐसे कट किया और यहां से ये ऐसे कट किया, बन गया कि नहीं बन गया? अगर हम बात कहें कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, है? 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? तो 90 डिग्री के लिए ये ऐसे हुआ, पहला कट किया 60, अगला 120, यानी 60 और 120 के बीच में 90 है। बोलो यस है नो। यहां से यू कट करेंगे, यहां से यू कट करेंगे, और ये जो मिला वो क्या कहलाया? क्या 150 डिग्री का एंगल आप लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? क्या 150 डिग्री का एंगल बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? क्या 210 डिग्री का एंगल बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? क्या 270 का एंगल बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? क्या आप 330 का बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? यानी मल्टीपल ऑफ 30 डिग्री आप लोग को बनाने आ चुका है। बोलो क्लियर है? मल्टीपल ऑफ 30 बनाने आ चुका है। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री के मल्टीपल में किसी भी स्टूडेंट को कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक आपने समझ गया है।
हम बात करते हैं कि अगला थर्ड स्टेप में जाते हैं, वह 15 डिग्री का मल्टीपल है। तो अगर हम 15 डिग्री के मल्टीपल में बात करें तो 0 डिग्री, 15 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री, सो ऑन डॉट डॉट डॉट। आप सोच सकते हैं कि 15 डिग्री कैसे बनेगा? बिल्कुल सोच ले, क्योंकि आप मजबूर हो गए आप लोग। क्या 0 और 30 डिग्री के कर देंगे तो 15 डिग्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी यहां से यू है, यू कट गया, 15 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया? 45 डिग्री का चाहिए, 90 को आधा कर देंगे, बोलो हाँ चाहे ना। तो ये वाला ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, 45 डिग्री का एंगल हो गया कि नहीं हो गया? 45 सेकंड से और से बन सकता है दोस्तों, 30 और 60 के बीच में भी है, इसे बन सकता है। तो आपको देखने, अगर आपको एग्जामिनर को खुश करना है ना, अगल बगल की कॉपी देख लीजिए, अगर वो 45 डिग्री ऐसे सोचा है तो आप 30 और 60 के बीच में सोचिए, 30 और अभी 45 बना दिए, बोलो यस या नो। ये बिल्कुल जानना जरूरी है कि आप अलग क्यों, समझ यार यहां पर 45 डिग्री बनने का कैटेगरी समझ में आया? एक 30 और 60 के बीच में है, बोलो हाँ चाहे ना। अब बताओ 75 डिग्री का, अगर टेक्निकल टीम 75 डिग्री का रहा है कि 60 और 90 के बीच में होगा और तुम नॉन टेक्निकल आदमी हो, बताओ 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे? वो तो वो बता दिया, उसका चांस हो गया, तुम अपने चांस लो। तुम्हें बोलना पड़ेगा कि 0 और 150 के बीच में, 0 और 150 आए समझ में, 0 डिग्री और 150 डिग्री के बीच में करेंगे तो 150 प्लस 0, 150 डिवाइडेड 2, 75 डिग्री, बोलो यस सर, आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत? इस तरह तो सोचो 105 डिग्री, अभी तुम ही पहले बोलो तभी बोलेगा, तब तो यहां तो तुम दिख रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और 120 डिग्री को डिवाइड कर देंगे, बोलो भाई 105 आ जाएगा। अब तुम्हारा मौका है 105। देखो टेक्निकल टीम होते हुए मैच समझता है, बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट मैच का फैकल्टी होने वाला है। आया अब बताओ 135 डिग्री कैसे कैसे करेंगे? 120 और 150 के बीच में, राइट? अब यहां क्या कर देगा कि 0 से 270 के बीच में कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हम समझते हैं कि आपको बनाने आ गया है। अब मल्टीपल की हम बात करें ना, तो ये 0 डिग्री, 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 30 डिग्री, 37.5 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री जो है आपका, 45 डिग्री, 52.5 डिग्री, समझ गया, और ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा 60 डिग्री, मतलब तुम्हारे से थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि तुमको तो भाई टेबल लोग 7.5 का तो टेबल नहीं जानते, समस्या है, समस्या है, इसीलिए फेमस हो गया था चक्रवर्ती साहब, क्योंकि उन्होंने टेबल इतना बेहतरीन सिखाया, सवैया रैया पौने टूटी, ये तो 7.5 की बात है, तो 7.5 भी लिखते चले नहीं, जैसे उसके लिए तुमको दादाजी से नाना जी से बात करना, तो उन लोग पहले पढ़ाई करिए थे, हम लोग भी किए, 1 सवैया 1.25, 2 सवैया 2.5, 3 सवैया 4.25, 5 ऐसे का, रैया का, पौने का, ठूटी का, समझ गए, क्योंकि तो उससे कैलकुलेशन मजबूत हो गया। अब देखो हमको 7.5 वाला भी आता है, इसलिए बोले लिखते चला गया। अब जिसको नहीं आएगा तो या तो जोड़ेगा या तो मल्टीप्लाई करेगा, दो काम एक ही काम करेगा, नहीं समझे? तो ये चीज को हमने पाया, हमने सीखा, क्योंकि मैथमेटिक्स को सीखने के लिए जो पुराने वाले भी है ना उसको भी जानना जरूरी होता है। जैसे आप पहले आता था ना मनोहर पोथी, बहुत हंसने का चीज नहीं है मनोहर पोथी, सबको नहीं आता है, सबका बस का चीज नहीं है मनोहर पोथी,
उसको 5 रुपया का बुक मत समझो, 10 पेज वाले बुक मत समझो, उसमें जितना बात दे दिया है बहुत लोग सर लोग को बात है सर। अब देखो तुमको वहां पर एक ज्ञान की हम बात बताते हैं, पर क्या लिखा हुआ है, छटा। फिर मैं कल टीचर से पूछूं छटा क्या होता है, नहीं बताएगा। मनोहर पोथी में लिखा हुआ है, समझ गया। तो छटाक वर्ड है क्या, नहीं समझ पाते। एक और टेबल लेते आइए, वो हमको लगा दीजिएगा, तो बड़ी बड़ी गिरता है। छटाक वर्ड क्या है, नहीं इधर डाल दो, क्या लिखा हुआ है, आना आना क्या है, इतने आना होता है चलिए मुद्दे पर आप लोग आ गए, नेक्स्ट मतलब कोई एक पार्ट को 16 भाग में बांटा जाए और वो मांस लेगा तो उस पॉइंट को बोलते हैं छटाक, और रुपया लेगा तो बोलते हैं आना, क्या बोलता है। और ये भी तुम लोग को यहां पर जानना जरूरी है कि अगर 1 केजी को 16 भाग में बांटेंगे, कितने भाग बांटेंगे, कितने भाग बांटेंगे, पता है, आधा किलो हुआ, आधा किलो के बाद पौआ हुआ, फिर आधा पौआ हुआ, समझ गए ना। और उस फिर आधा पौआ को यानी 62.5 ग्राम को, कितने ग्राम को जल्दी बताओ, क्या कहा जाता है, छटाक कहा जाता है। महाभारत में यूज किया था, कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को बोला कि ऐसा करो ना कि 1 साल का अनाज दे दो, बोला 1 छटाक भी अनाज नहीं दे। महाभारत लोग देखते रह गए, छटाक क्या यूज किया दुर्योधन, ये नहीं पता चला। अरे भाई वो कह रहा है कि हम 62.5 ग्राम भी नहीं देंगे, और पहले के जमाना में शेर होता था, क्या होता था, शेर होता था, क्या होता था, और उस समय 1 छटाक का भय था 56 ग्राम, कितना था, मनोहर पोथी में लिखा है 1 छटाक इक्वल 56 ग्राम, क्या लिखा है, 56 ग्राम, क्योंकि पहले शेर होता था, क्या होता था। इसी ढंग से आना की अगर हम बात करें ना, तो पहले ये 64 पैसा का होता था, कितना पैसा का होता था, इसको 16 से भाग दे दोगे तो 4 पैसा होगा, कितना पैसा होगा, पहले 4 पैसा का आना होता था, कितने पैसा का आना होता था, 4 पैसा, अब ये 100 पैसा का हो गया, कितना पैसा का हो गया, ये 6.25% हो गया, कितना परसेंट हो गया, 6.25 हो गया, कितना हो गया। तो आदमी पहले बोलता था चरनी, क्या बोलता था, मतलब 25 पैसा, अठन्नी 50 पैसा, बोलो हाँ चाहे ना, करने आया तो आप समझ में आया। तो वर्ड को समझना जरूरी होता है कि ये वर्ड को क्या कहते हैं, यानी अगर इस बोतल को अगर हम 16 भाग में बांट देना, अगर ये आपका कैपेसिटी ले रहा है तो इसकी नामांकन होगा कि नहीं होगा, कि 1/16 हिस्सा, 1/16 को 1/किलोग्राम हमें छटा रुपया में। जैसे मैंने एक बार गया, जैसे बड़ा दिक्कत है इस मैथमेटिक्स को जानने से, मैंने कल एक एक बार दोस्त के घर पे गया, समझ गए, वो रेलवे में इंस्पेक्टर है, समझ गया। अब वो अपना मकान मालिक को खूब बढ़ा चढ़ा के बोल दिया था, समझ गया, ईश्वर मैथ ये जो करते हैं वो करते हैं, हम वहां बैग नहीं रखेंगे, क्वेश्चन पूछ ली उसके मकान वाले, पूछे क्या ये चीज को समझो, एक मैंने पूछे थे वो थोड़ा दूसरे ढंग से, ऐसे पूछे थे, रुपया के जे हम ते पैसा के नो हम ते 1 रुपया के किए, क्या पूछे थे, रुपया के तो उनको हम पहले शुद्ध कर दें, हम बोले कि और उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, समझ गए, और मैथ के अच्छे जानकार वो भी थे, इलाका का उधर नाम था, और सोचे कि दोनों का टक्कर हुआ, बैग नहीं रखे तो हो गया। तो हम कहे कि सर भाई
बैग रखने दीजिए, पानी पीने दीजिए, नाश्ता करने दीजिए, तब तो प्रश्न पूछिएगा, समझ गए? तो बोले ना ना अभी बता दीजिए, हम सुनिए सर आपको मिलेगा 24 साल, हमको मिलेगा 30। जब आप गांव में आ गए तो हम ही गांव में आ गए। तो जैसे ही मैंने बोला तो उनके पूरी फैमिली बैठा हुआ था, हम बोले कि सर आपको मिलेगा 24 साल, हमको मिलेगा 30। फिर उनको मैंने समझाया कि समझिए सर आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, रुपया कैसे है, माने 1 रुपया में जितना आम मिलता है उतना ही पैसा में 9 आम मिलता है, तो 1 रुपया में कितना आम मिलेगा। हम बोले सर आप हमसे उम्र में बड़ा हैं और उस समय 1 रुपया में 64 पैसा होता था, कितना पैसा होता था, यानी आप कह रहे हैं कि 1 रुपया में 64 पैसा होता है, 64 पैसा में 9 आम मिलता है, तो 64 को 9 से गुना कर दीजिएगा तो 576 होगा, कितना होगा, और चूंकि इधर से एक्स स्क्वायर आया है तो 576 का रूट निकालिएगा तो 24 होगा। हम आपसे उम्र में छोटे हैं सर, और हम लोग के जमाने में 1 रुपया में 100 पैसा, कितना पैसा होता है, तो 100 को 30 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 1 रुपया में 100 पैसा हुआ ना, और 100 को 9 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 900, और 900 को रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब उनका पूरा फैमिली बोलने लगा कि अब आ गए नहले पर दहले, हमने नहीं हुए रुकिए, इनको अब जब आ गया पैसा चौबीस, नहीं नहीं समझे, क्योंकि वो लॉजिकली पूछे, वो चूंकि वो बी चक्रवर्ती साहब के बुक रखे हुए थे, हम बोले सर वो तो हम पहले ही पढ़ते, नहीं समझे, उस पर हम लोग ने किया है, जितने ऑथर की बुक आता है उसको लेकर पहले हम स्टडी करते हैं, आखिर बुक का विशेषता क्या है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए, ये माने प्रत्येक प्रश्न में उनको फंसाते चले जाते, और फिर अंत में बोल दिए कि नहीं आप ठीक ठाक। हमने कहा कि सर आप इतना, हाँ प्यार से बोलते, चूंकि वो आंसर रटे हुए थे, देखोगे बुक में आंसर रखे हुए थे 30। हमने बोला कि नहीं अभी तो रुक नहीं दे रहा था, हमने बोले आपको मिलेगा 24, हमको मिलेगा, और साबित कर दिया कि 1 रुपया में पहले जो होता था वो 64 पैसा क्या होता था, और अब 1 रुपया में कितना होता है 100। यानी इसको आपको ये लॉजिकली तुमको समझाना होगा। जैसे उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि फूल लगाना है, बोले लगा देंगे सर, बोले कि जिधर से दिखे उधर से 5 पेड़ दिखे, बोले कर देंगे सर, तो बोले कि पैरों की संख्या, हम बोले कि हम 19 से कर देंगे सर, न समझे। फिर हम उन्हीं से पूछे कि आप सर बताइए कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे, अब तो रटे हैं, लॉजिक होना चाहिए ना, तो लॉजिक होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला बहुत आदमी रट जाता है और सोचता है कि हम उसको कर, और लॉजिक तुम्हारे पास आ गया, जैसे तुमको देखो अभी तुमको एंगल वगैरह में दिक्कत था, मैंने एंगल के बारे में 10th वाले सज्जन को पहले समझा रहा हूँ, हाँ टाइम लग जाएगा, एक वीडियो अलग देखना पड़े, लेकिन उसको दिमाग में सेट हो जाता है। अब बताओ एंगल में किसी को कोई दिक्कत होगा, दुनिया की कोई किताब में चले जाओ, दुनिया की कोई किताब में चले जाओ, एंगल को ऐसे करके पार्ट बाई पार्ट नहीं सिखाया है, क्या सिखाया है, पहला दिन ने 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री खेला खत्म, ये नहीं बताया है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग बनाना, राइट, करने आए कि नहीं आया। तो कभी भी चीज को जो है आगे वाला बंदा वो क्या पूछ रहा है उस पर निर्भर देखो कि वो पूछना क्या चाहे। तो अब देखो मनोहर पोथी का कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, छटाक क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो मुद्दे पर हम लोग आते हैं, पहला आया लाइन सेगमेंट का बंटवारा, यहां पर देखो ये लाइन सेगमेंट है। अब तुम देखो एक मौखिक प्रश्न हम तुमसे पूछते हैं, एक रड को 3 टुकड़ा करने में कितना टुकड़ा करने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 5 टुकड़ा करने में कितने मिनट का समय लगेगा, एक रड के लिए 5 मिनट लगता है, हाँ 10 मिनट, 10 मिनट, हाँ तो उसको 5 टुकड़ा करने में कितने मिनट समय लगेगा, लो कॉपी कलम ले लो, तुम भी बनाओ, बोलेगा मैं कैसे, एक रड को 3 टुकड़ा करने में 10 मिनट का समय लगता है, तो उसको 5 टुकड़ा करना है तो कितने मिनट का समय लगेगा, छह है मिनट कितना मिनट, मिनट मैंने कोई प्रश्न क्या बोला था बोलो,
को तीन टुकड़ा करने में 10 मिनट लगता हाँ, पांच टुकड़ा करने में कितने मिनट? 10 मिनट। छ मिनट। गलत जवाब है, चूंकि देखो 9th क्लास तुम अच्छा से नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़े, तुम किसी से भी पूछ लेना गलती है जवाब। चूंकि मैथमेटिक्स को लोग नहीं समझते हैं, प्रश्न बनाना चालू कर देते हैं। तुम क्या गलती किया पता है? तुम प्रश्न नहीं समझा। तू क्या लिखा? चूंकि तीन टुकड़ा करने में 10 मिनट का समय लगता है, देयरफॉर 1 टुकड़ा करने में 10/3 लगता है, तो इसलिए 5 टुकड़ा करने में 10 × 5/3, यही तुम कॉपी में लिखी। चूंकि हम पता है कि क्या कोई लिख सकता है, जबकि ये 100% गलत। बोलो क्यों? क्योंकि तू 9th क्लास में पिजन होल थ्योरम नहीं पढ़ी। तू बोलेगा तो अब नाम ही नहीं सुने सर हमने, तो 9th क्लास कैसे किया? अरे देखो बाबू, सोचो, एक रड को 3 टुकड़ा करना है तो 2 ही बार ना काटना पड़ेगा। एक कितना बार काटना पड़ेगा? कितना बार काटना पड़ेगा? तुम गलती कर दिया। बार काटिएगा यहां पर यानी कहने का सेंस कि 3 टुकड़ा करना है तो 2 टाइम्स काटना पड़ेगा। तो यहां पर यह मैथमेटिक्स करेंगे कि 2 टाइम्स काटने में इसको 10 मिनट लगता है, यानी 1 टाइम्स काटने में इसको 10/2 लगेगा, यानी कितना लगेगा? 5 मिनट। और यहां पर 5 टुकड़ा करना है, कितना टुकड़ा करना है तो कितना बार काटना पड़ेगा जल्दी बताओ? 4 बार, यानी 4 से गुना हो जाएगा। सही जवाब होगा 20 मिनट। रेलवे में प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछता है, दुनिया में कभी भी रेलवे का एग्जाम दो ये प्रश्न रहेगा ही। अब जानता है रेलवे वाला रिक्वायरमेंट कि इसको लोग गलती करेगा, क्योंकि टीचर क्या पढ़ाता है? यूनिटरी मेथड पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाइएगा यूनिटरी मेथड? पहले क्वेश्चन तो समझाइए। अरे टुकड़ा का संबंध काटने से थोड़ी है। अच्छा बोलो, इसको एक बार काटेंगे तो क्या टुकड़ा होगा, और 2 बार काटेंगे तो क्या टुकड़ा होगा? नहीं समझ में? तीन होगा ना? नहीं होगा। इसको 5 टुकड़ा करने के लिए रहेगा तो कितना करेंगे? इसको क्या, कौन सा थ्योरम बोलते हैं? पिजन होल थ्योरम। क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी लोग किताब नहीं पढ़ते हैं बढ़िया से, 9th क्लास में पढ़ना है पिजन होल थ्योरम। पिजन होल थ्योरम का मतलब क्या हो? पिजन माने कबूतर, और होल मतलब घोंसला। जैसे आप लोग सपोज कीजिए, 1 मिनट के लिए आप लोग कबूतर हैं, 3 लोग हैं, हमको घोंसला बना, घोंसला के को बनाना होगा सेपरेट रखने के लिए, 2 को, 1 को। अब देखो ये दोनों आप घोंसला में रह गए, ये भी घोंसला में रह गए, आपका पापा को छूटा छोड़ दिए, उधर कोई रहेगा तब ना उसके साथ पेयर बनाएंगे। बोलो ना भाई, तो कितना चाहिए? 3 कबूतर के लिए 2 चाहिए, यानी जितना टुकड़ा करना है उसके लिए 1 कम चाहिए। बोलो यस या नो? इसी को कौन सा थ्योरम बोलते हैं जल्दी बताओ? अगर किसी का 2 बेडरूम है, कितना बेडरूम है वहां पर? 3 फैमिली रह सकता है, कितना फैमिली रह सकता है? नहीं रहेगा। बेडरूम का डिफिनेशन क्या होता है? बेडरूम में बाथरूम अटैच होना चाहिए, ध्यान दिए? तो 2 बेडरूम है, इसमें बाथरूम अटैच है, उसमें भी बाथरूम अटैच है, आई जो कॉमन रूम होता है उसका एक अलग बाथरूम रहता है, 3 फैमिली रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं समझा? नहीं समझा? बोकारो सब में देख लो, सेल में डेफिनेशन ने गलत कर दिया है बेडरूम का। बोकारो में हम, चूंकि हमारा वही ससुराल है, बता रहा हूं वो ई रूम है, समझ गया? इसी रूम से कनेक्शन डाल देगा इस रूम, समझा? अब बाथरूम यहां बना दिया। बोलो भाई, तो के गो रूम है? अब बोलेगा 2 रूम। अरे एक के गो रूम है, इसका यहां से गेट दे देगा, आ इससे किचन को जोड़ देगा, समझ गए? आप बताइए, ये रूम सेपरेट, ये रूम सेपरेट है? नहीं समझ में आया? बोकारो का किसी भी सेल वाला को देख लो, अब बोले मेरा इतना रूम है, रूम ही का डिफिनेशन गलत समझ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? है रूम का मतलब होता है वो सेपरेट, होगा कि नहीं होगा? करने आया मुद्दे पर, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब तुम सोचोगे कि सर ये प्रश्न क्यों किए? हमने प्रश्न किया है, ये सेगमेंट है,
अब इसको तीन टुकड़ा करना है, कितना टुकड़ा करना है, तो यहां पर हम 60 डिग्री का एंगल लेंगे, एक्यूट एंगल लेना होता है, एक्यूट एंगल में सबसे आसान कौन होता है, 60 डिग्री, कौन सा होता है 60 डिग्री। अब इसको कितना टुकड़ा करना है, तो इसको दो बार काट दो, एक एक, बोलो भाई काटा कि नहीं, और दो एक कितना होता है, फिर दो एक कितना होता है, कितना बार में कट गया, एक टुकड़ा दो टुकड़ा नहीं कटा, कितना बार कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब बताओ इस लाइन सेगमेंट को चार टुकड़ा करना है तो क्या लगाओगे, हाँ अब कुछ कुछ तुम दिमाग अब लगाया है, कितना काटेंगे इसको, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, एक काटने आया नहीं आया, आया क्योंकि तुमको देखो स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपको जो हम सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंस जो पढ़ाएंगे वो कंस्ट्रक्शन मेथड से पढ़ाएंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, और जहां तक 6.3 का क्वेश्चन बनाने की बात है तो आपसे बनेगा, क्योंकि आपको पहले आ गया लाइन सेगमेंट बंटवारा सब लोगों को करने आ गया अच्छे ढंग से, ये पहला मेथड हुआ। अगर आपके आगे वाला बंदा लाइन सेगमेंट का ऐसे कर रहा है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऐसा लोग कर रहा है ना वैसा नहीं करना। तो एंगल के बराबर एंगल से भी जो आपने पाइथागोरस थ्योरम सॉरी थेल्स थ्योरम पढ़ा उससे भी आप बंटवारा कर सकते, उससे भी बंटवारा, यह लाइन सेगमेंट है, बोलो आ रहा समझ में, है अंतर समझ में आ रहा है कि क्या क्या लोग छोड़ देता है, तुम किसी भी माने आपको हम 90 टीचर का 100 में 90 टीचर से पूछ दो कि पिजन होल थ्योरम क्या होता है तो बोलेगा हमारे सिलेबस में ना है, फिर एनसीईआरटी को उनको बुक खोलने के बोलो कि जिसमें रेशनल नंबर पढ़ना है उसमें देखिए लिखा हुआ है, अंडरलाइन करके लिखा हुआ है नंबर लाइन दिखाने के लिए, समझ गए, तब बोलेगा हाँ सर छूट गया है। तो पढ़ते हैं लोग क्या एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, जो मोटा मोटा दिया हुआ है सो अंदर में जो बात दिया है उसको पढ़ते नहीं, पिजन होल थ्योरम पार कर दिया। अब पिजन होल थ्योरम पार कर जाएगा तो वही हो जाएगा कि टुकड़ा टाइम्स में क्या अंतर है वो समझेगा ही नहीं और मैथमेटिक्स बना देगा, तुम्हारा तो मैथ सही ही था ही, तुम्हारा ठीक था 50/3 नहीं है लेकिन टुकड़ा चार को हो जाता, बाद में गलती होता, पहले तो ठीक है था, नहीं समझा, तो लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए टेक्निकल टीम इसको बांट दिया ऐसे करके तो तुम कैसे बांटोगे, तो यहां पर तुम क्या करोगे 60 डिग्री का एंगल लोगे, कितना डिग्री का 60 डिग्री का, आसान पड़ता है क्या, स्टेप वन में बन जाता है, कितने बन जाता है, ले लिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब तुम्हारे पास क्या है कि जितना भाग में काटना रहेगा जितना भाग में उतना भाग काट दो, अगर तुमको मैंने पहला में बोला था 3 times बोलो तो 3 बार में काट दो, एक दो तीन, बोलो यस या नो, आपके पास स्केल नहीं है ध्यान दीजिएगा, लाइन खींचने के लिए कितना पॉइंट चाहिए जल्दी बताइए, पता नहीं तुमको फोन पढ़ा दिया है इनको नहीं, इसका गलती सर पर आया है, वहां सर बताता है कि लाइन के लिए 3 पॉइंट चाहिए लेकिन 2 पॉइंट चाहिए, गलती इसका नहीं है सर, जो इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ाया टेबल वाला मेथड वो इसको गलत कंसेप्शन, गलती इसकी नहीं, देखिए सर वहां पर क्या होता है ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पर है 2x + 3y = 5 तो इसके सर बोले देखो टेबल बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, और यहां पर बोले होंगे x रखोगे यहां पर क्या रखोगे कॉपी देख लेना 3 को पॉइंट रख, गलती आपकी नहीं है, गलती वो इंसान को है जो आपको गलत कंसेप्ट को समझाया, आपकी गलती नहीं,
वहां पर एक्स का वैल्यू सर बोले होंगे, पहले तो निकालते हैं ऐसे कि 3y = 5 - 2x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2x / 3। बोलो अब बोले होंगे एक्स का ऐसा वैल्यू रखिएगा ना ऐसा इसको पूरा पूरा कट जाए। बोलो यस अनु। अब यहां पर रख के दिखाए होंगे तो 3 पॉइंट दिए होंगे, नहीं लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट का पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गया। बोलो हाँ चाहे ना। तो देखो ई पॉइंट दिया हुआ है, ई पॉइंट दिया हुआ है, तो उस इस केस में देखो तुमको कैसे यहां पर खींचता है, ये भी बात को सीख लो। एक पर ऐसे एक्स पर हाथ धर देता है, धरा वाई क्या दिख रहा है 5/3, यानी एक्स जब 0 रख रहे हो तो वाई का वैल्यू क्या दिख रहा है जल्दी बताओ। आप फिर तो बड़ा दिक्कत है, अच्छा तकलीफ देता है, अब तो सही है ना, ठीक है। और वाई पर हाथ धरोगे तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ, 5/3। एक पॉइंट हो गया, अब ये दोनों पॉइंट हुआ मिलाया, ठीक है नहीं सी, ये पॉइंट ए पॉइंट को मिलाया। बोलू अब तुम्हारे पास एक थ्योरी आएगा, एंगल के बराबर क्या आएगा जल्दी बताओ, एंगल खींचेंगे तो पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन पढ़ा 8 क्लास में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और उसमें पढ़ा कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल कोरस्पोंडिंग एंगल। अब प्रश्न यह उठेगा कि एंगल के बराबर एंगल कैसे बनाएंगे, एंगल के बराबर एंगल कैसे बनाएंगे, ये प्रश्न उठेगा दोस्तों। क्या प्रश्न उठेगा जल्दी बताओ, एंगल के बराबर एंगल कैसे। तो आपको क्या करना है कि यहां से जो कंपास आपने लिया है ये सेम आप यहां से ले लें, बोलो यस सर नो, और यहां से भी ले लें, ले लिया, और इसकी मेजरमेंट करें, यहां सुई रखे यहां पेंसिल रखे, बोलो यस सर नो, यहां पर भी सुई रखे पेंसिल मेजरमेंट कर लिया, आपका ये कट जाएगा। बोलो ये पैरेलल हुआ कि नहीं, यहां पर भी हुआ पैरेलल हुआ कि नहीं, देखो ये 3 भाग में कट गया कि नहीं। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट का बंटवारा वैसे करता है इधर 60 उधर 60 से, तो तुम उसको देख लो ये तो कर लिया है, अब मुझे दूसरा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तब तो मानेगा ना। अब यहां पर देखो तुमको थेल्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा थेल्स, दिखा है ये, अभी तुमने कंपास से ये सब इक्वल लिया था कि नहीं लिया था, बोलो। और थेल साहब को बोलेंगे कि आइए और ये एक ट्रायंगल ले लिए, बोलो मुद्दे पर फिर से हम आ गए कि नहीं आ गए, ये वाला इसका पैरेलल है कि नहीं, तो 20/30 = 30/30 होगा कि नहीं, अब ये वाला इसका पैरेलल है तो 20/30 = 30/30 होगा कि नहीं, मुद्दे पर फिर से आ गए थे थ्योरम पर। यानी आप लोगों को 9th क्लास का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पर डील कर दिया है, क्योंकि ये हमको मजबूरी था कि जब तक ये नहीं सिखाते तो तुम्हारे पास थोड़ा दिक्कत हो जाता, कोई दिक्कत। अब हम लोग को एक बात तुमको करना है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर की जरूरत पड़ेगा, किसकी जरूरत पड़ेगा, यहां पर तुम्हारे पास ये एबी है और एक परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर करना है तो हाफ से अधिक, हाफ से यहां से भी हाफ से, यहां से भी हाफ से अधिक, यह बांट देगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बांट देगा बाइसेक्ट करेगा और साथ में यहां पर परपेंडिकुलर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई दिक्कत। अब हम लोग 6.3 पर चलेंगे, तो अब आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे बात आप समझ चुके हैं, अब कंस्ट्रक्शन बनाने में भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एंगल के बराबर एंगल बनाने आ गया, एंगल के बराबर एंगल बनाने आ गया, सबको आया कि नहीं आया। मान लीजिए कोई सज्जन ने एंगल ऐसे बनाया, अगला पेज में देख लीजिए, कोई सज्जन ने एंगल ऐसे बनाया, ये एंगल बना दिया, बोला इसके बराबर खींचो, बोला मैं खींच दूंगा, बोलो ले लिया। ध्यान रखना है कंपास यूज नहीं करना है, एग्जामिनेशन में कर लेंगे, ड्राई रन करवाइए, यहां से कंपास से ऐसे ले लिए,
और सेम फिर यहां से ऐसे ले लिए। मेजर किए, यही मेजर करके इसको क्या कर दिए, कट दे दिए। बोलो हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। तो एंगल के बराबर एंगल कैसे लेते हैं? क्लियर हो गया? बोलो आया? अब हम मुद्दे पर आते हैं। एंगल भी बनाने आ गया, इस सारा चीज बनाने आ गया, अब मुद्दे पर आते हैं। तो 10th क्लास का 6.1 ये बीपीटी पर था, कंप्लीट हो गया। एंगल बाइसेक्टर भी यूज हुआ था, वो भी कंप्लीट हो गया। अब मुद्दा आता है 6.3। तो हम इसी मुद्दा पर चले गए थे दूसरी दुनिया में, फिर से आ गए हैं 6.3 लेकर। तो यहां पर कॉन्ग्रेंट वर्ड तो आप समझ गए, सिमिलर वर्ड भी समझ गए। तो पहला कैटेगरी कहता है एंगल, एंगल, एंगल। क्या कहता है? एंगल, एंगल, एंगल। क्या कहता है? और आपके पास संपत्ति है बीपीडी। क्या संपत्ति है? बेसिक। ये आपके पास है जिसे थेल्स साहब ने दिया था, क्योंकि आपको हम धीरे धीरे सारे मैथमेटिशियन से मिलवाएंगे। आपको एक मैथमेटिशियन से मिलवा दिया थेल्स साहब से, समझ गए? आपके पास संपत्ति क्या है? संपत्ति जो है उसको आप रखिए कि ये चीज है, यही चीज आपके पास संपत्ति है, यानी इसका आप यूज कर सकते। और 9th क्लास में आप लोग कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल पढ़ चुके हैं, ये भी आपकी एक संपत्ति। जो संपत्ति आपके पास है नहीं, उसको यूज कैसे कर लीजिए? नहीं, ये बात है। एंगल, एंगल सिमिलेट्री क्या है? यानी ये कुछ ट्रायंगल होगा एबीसी और ये पी क्यू आर होगा, ये एंगल बराबर है, ये और ये एक पाई, मैंने एक पाई के बराबर है, और दो पाई मतलब हाँ, बहुत अच्छा आया क्या? और आपके पास संपत्ति को देखिए, सीधा है, और यहां पर आप कहते हैं एडी बाई ए बी इक्वल ए बाई ए सी। तो यह जो है ये ट्रायंगल, छोटी वाली ट्रायंगल, छोटी वाली, छोटी वाली, ये छोटी वाली है। बोलो ये बड़ी वाली है? ठीक है ना, ये इसका कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? सॉरी, सिमिलर है। क्या है? सिमिलर। क्या है? सिमिलर। यही ना है, क्योंकि सिमिलर का डिफिनेशन बताया है कि एंगल बराबर होना चाहिए। बोलो yes, और साइड को पर्सनल होना चाहिए। अब गलती बोलोगे क्या? गौर से देखो, ये संपत्ति ऑलरेडी मेरे पास है और इसको उस सब दिखा देंगे तो हम लोग कर सकते हैं। बोलो हाँ चाहना। तो करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा? कि जितना ए बी बटे क्या है, ए बी के ए बी जितना है, क्या है जल्दी बताओ, उतना यहां से पी क्यू आर तो पहले से है, तो पी एस कट करना पड़ेगा। बोलो यस या नो, क्या लिखोगे? ए बी के बराबर ए बी के पी एस, क्या Yes. कट कर देंगे? बोलो हाँ जाना। yes. कर लेंगे yes. और एसी के बराबर, किसके बराबर?
किसके बराबर, किसके बराबर, किसके बराबर, हाँ कट करेंगे एसटी, क्या करेंगे बोलो एसटी, क्या करेंगे नहीं समझ में आया क्या है, बस एक बोले हैं कट करने के लिए बोले हैं, कट करेंगे ना, अरे जितना ये है ना हो ये वाला उतना इधर से काट लिया, इधर से काट लिए, अब चलेंगे नाइन्थ क्लास से पास, किस क्लास से पास, नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे ये साइड बराबर है, अपने से ना कट किया है, ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो नाइन्थ क्लास में पढ़े थे साइड एंगल साइड, क्या पढ़े थे, दो ट्रायंगल का क्रोस्पॉन्डिंग साइड और बीच का एंगल इक्वल हो तो कॉन्ग्रेंट होगा, क्या होगा, बोलो यस या नो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यानी यह ट्रायंगल का क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, बोलो कॉन्ग्रेंट होगा तो ये एंगल एंगल का बराबर हो जाएगा, और ये वाला यहां पर दो को पाइप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दो को पाइप पड़ेगा, तो यहां पर दो को पाइप पार दिए कि नहीं पार दिए, ये वाला तीन पाइप होगा कि नहीं होगा, आया, और ये क्लास में चले गए, किस क्लास से चले गए, तो पता है कि दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर दो लाइन कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, बोलो यस एंड नो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, गौर से देखो यह लाइन और यह लाइन, इसको ये कोरस्पॉन्डिंग लाइन काट रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है, अरे ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है, तो बताओ ये एंगल इक्वल है कि नहीं, ये एंगल एंगल इक्वल है कि नहीं, तो ये इसके पैरेलल हो गया कि नहीं, बोलो ना, नहीं हुआ, पैरेलल हो गया, अब पैरेलल हो गया तो थेल साहब फिर 11th क्लास आ गए कि 10th क्लास आ गए कि नहीं, तो 10th क्लास में क्या पढ़े, थेल्स को पढ़े हैं नहीं पढ़ेंगे, तो थेल्स ने क्या कहा था, पी ए बोलो बाय पी क्यू बाय पी डी बाय पी आर, बोलो यासियानो, और ये पी एस किसका इक्वल था, ए बी का, पी टी किसका इक्वल था, तो यहाँ ए बी बाय पी क्यू हुआ कि नहीं, और यहाँ पर ए सी बाय पी आर हुआ कि नहीं, बोलो ना, आई एस टी किसका इक्वल था, एस टी बराबर यहाँ क्यू आर हुआ कि नहीं, तो BC का, तो यहाँ पर लिखेंगे कि BC by QR हुआ कि नहीं, तो एंगल एंगल सिमेट्री क्या कहता है, समझ में आया कि नहीं, तो मैंने इसमें कितने क्लास का यूज किया, समझ में आया, पहले 9th आया, पहले क्या आया 8th आया, फिर 10th का BPT आया, तब तो हुआ, तो एंगल एंगल सिमेट्री सब बोलो सबको समझ में आ गया कि नहीं, नहीं आया, अच्छा सोचो कि अगर तुम क्वेश्चन बनाने वाला होती तो तुम क्वेश्चन कैसे बनाती, पहला ये देता कि ये सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं, तो क्वेश्चन कैसे सोच सकते हो, मैंने आपको बताया था कि हमारा चैनल क्रिएटर सुपर 30, इसमें स्टूडेंट टीचर यहां तक कि टेक्निकल से नॉन टेक्निकल सारे स्टाफ सब लोग क्रिएटर, इसके लिए कोई बुक नहीं होना चाहिए, मैंने आपको 6.3 देखी, अभी उधर बुक रखा हुआ है, इधर बुक कोई नहीं देख रहे हैं, लेकिन 6.3 आपको अपने से बच जाएगा, और पहला नंबर क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सिमिलर है और कौन सिमिलर नहीं, बोलो यस या नो, यस सर, तो आप देखिए अपने से, अब बाद में बुक वाला मिला लेता है हम लोग से, तो बुक वाला का दोष है कि हम लोग से क्यों मिला, ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग से ना मिले, ये ट्रायंगल एबीसी बन गया, बोलो यहां पर क्या दे देगा, जल्दी बताओ, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू, अभी तुम क्या पढ़ा है, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, yes, sir. और क्रोस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, yes,
तो यहां एंगल तो बराबर देगा ही, इसमें कोई डंडी नहीं मारेगा। यहां दे दिया 30 डिग्री, यहां दे दिया 60 डिग्री, यहां दे दिया 90 डिग्री, यहां दे दिया 30 डिग्री, यहां दे दिया 60 डिग्री, यहां दे दिया 90 डिग्री। बोलो, यहां दे दिया 3, 4, 5, क्या दे दिया? दे दिया, बोलो बोलो ना, क्या दे दिया जल्दी बताओ? और यहां दे दिया 6, 8, 8, बोलो ये सिमिलर है कि नहीं? तो सिमिलर नहीं है। अभी बुक वाला क्वेश्चन देगा तो बुक वाला का तो समय का हम लोग से मिलता है। बोलो ये सनो, आया बात समझ में? लेकिन यही हम तुमको घुमा देते, क्योंकि बुक वाला की ताकत नहीं है घुमाने का, लेकिन तुम लोग घूम सकते। ये है, ये वाला 30 है, ऐसे पार दिया, ये वाला ऐसे पार दिया, ये ऐसे पार दिया। बोलो, तुम्हारा हो सकता है क्वेश्चन जो पूछ रही हो बन गए अपने से। यहां पर मैंने दे दिया 5, यहां दे दिया 10, 5 का दूना है कि नहीं? यहां दे दिया 12, यहां दे दिया 24, ये भी दूना है। यहां दे दिया 13, यहां 26, क्या दोनों बताओ सिमिलर है? अफसोस नहीं, यही बुक वाला नहीं दिया है, आंधार बना दिया लोगों को। तुम कहोगे कि सर एंगलवा तो सेम है ही, साइड भी प्रोपोर्शनल है। बोलो, लेकिन तुम नहीं देखा ये साइड प्रोपोर्शनल नहीं। ये अंधे आदमी को नहीं दिखेगा, कर दो रोटेट तो क्या हो जाएगा? इस सेगमेंट का नाम पढ़ी हो क्या? सेगमेंट का नाम है 1/2 पॉइंट, 1/2 पॉइंट ए बी और पी क्यू, ये आपका प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो क्या 5 और 24 प्रोपोर्शनल है? यहां पर 12-10 प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बोलो यस या नो? यहां 13-26 होना चाहिए। यहां पर ये वाला देखो, इसका नाम तुम्हारे पास आया समझ में? यानी ये नहीं है, या ये होता जब वहां पर एंगल चेंज हो या लिखने का तरीका चेंज हो। बोलो यस या नो? नहीं आया। एक बार एक टीचर जानते हो क्या लिखा? हम तो कभी कभी देखते रहते हैं, बस समझते रहते हैं कि आखिर में क्या था। ट्रेंगल एबीसी लिख दिया, अब बोल दिया सिमिलर है ट्रेंगल क्यू आर पी का। हमने बोला सर आपको तो चश्मा से काम नहीं चलेगा। बोले कैसे सर? देखिए ये तो इसका सिमिलर है या? हमने बोला सर देखिए शुरू का दो साइड पर ही क्या लिखा हुआ है? ए बी। क्या लिखा हुआ है? इसका दो साइड पर ही क्या लिखा हुआ है? क्यू आर। पर है लास्ट वाला दो साइड पढ़िए क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है? आर की। यहाँ पर ए शुरू वाला ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्या हुआ है? क्योंकि बोलो यस या नो? अब सर डेटा रख के देखिए तब आपको समझ में आएगा। ए बी कितना दिया हुआ है सर? 3। बोलिए क्यू आर कितना दिया हुआ है? 8। बी सी कितना दिया हुआ है? 4। और आर पी कितना दिया हुआ है? 10। अब बताइए सर एसी कितना दिया हुआ है? 5। क्यूपी और क्यूपी कितना दिया हुआ है? 6। बताइए सेम है सर, यानी उनको नामांकन करने। फिर हम बोले कि सर जाइए मौका देता हूं दोबारा, आप सीखिए सर दोबारा, दोबारा बताइए कि कौन इसका सिमिलर है। तो फिर देखो फिर बोल रहे हैं सर एक चांस
लिख कर लीजिए। तो यहां पर देखो, फिर उन्होंने लिखा ट्रायंगल एबीसी, क्या लिखा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। हमको लिखे अब आप राइट है, अब क्या है? क्यों यहां पर ए बी है बोलो? यहां पर पी क्यू है, यहां बी सी है, यहां क्यू आर है, यहां ए सी है, यहां पी आर है। हमने अब रख के देखिए सर, यहां तीन है, यहां पर क्या है? छह। तीन बटे क्या हो गया? अब चार है, आठ। यहां पर पांच है, लड़े तो लिखे ना हो तो आइए थोड़ा, वो आपको एक बार पहले से अच्छा इसको मोटा कर देते हैं, उतना दिमाग काहे लगा। अब तो दिखा नहीं दिखा? आया करने आया? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है या पॉसिबिलिटी समझ गए? दूसरा इससे बड़ा सा जो है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, अगर ये सिमिलर हो बोलो ना। यहाँ तीन है, छह है, पांच है, दस है, इसका वैल्यू पूछ देगा तो बोलो कर देगा कि नहीं कर देगा? बोलो भाई। तो पहला क्वेश्चन कैसा बन सकता है, समझ में आया? तो इसको कौन सा सिमिलरिटी बोलते हैं जल्दी बताओ? एंगल 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 सिमिलरिटी। अब इसकी बात समझ में आया? yes, एक बार विद्यार्थी बोला सर को नया थ्योरम बुक में पढ़े हैं। हम बोले कि तुम गुरबा को क्या चल, तो बोलाइए। हम बोले कि तुम गोरे को सर एंगल एंगल, हमने गोरे गुरबा दो ट्रेंगल है, अगर दो एंगल सेम है, दो एंगल क्या है, तो तीसरा एंगल एटमेटिक सेम हो जाएगा। बोलो यस नो। पहले मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आता था, क्या टाइप का आता था? तो उसमें एक का एक के आंसर सही था बोलो, और दो को मिला दिया तो तीसरा अपने आप में मिल गया। नहीं समझ में आया? लेकिन अब लॉजिकली हो गया कि जिससे मिला है उससे भी दोबारा मिल सकता है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला पढ़ने की जरूरत है, जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो एटमेटिक इक्वल हो जाएगा। बोलो भाई। yes, कर में आया? yes, नहीं आया अच्छे से, नहीं आया। तो यानी आप यहां पर एक और इसकी कैटेगरी होता है साइड एंगल साइड, क्या होता है जुदा? यानी यहां पर ये ट्रायंगल है एबीसी है और ये वाला पी क्यू आर है, ये एंगल बराबर है बोलो, और ये साइड इक्वल नहीं है। यहां पर डाल दो रिलेशन प्रोपोर्शनल है और ये वाला इसका प्रोपोर्शनल है, राइट? मतलब ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी वाला 30 डिग्री है, ये चार है तो आठ है, ये पांच है तो yes। अब समझ में आया कि नहीं? बोलो। ये बात हुआ। अगला पॉइंट तुम्हारे पास है साइड साइड साइड, क्या है? यानी साइड साइड भी प्रोपोर्शनल रहेगा तो सिमिलर होने की बात है, क्या बात है? तो यहां पर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये पी है, ये क्यू है, ये बोला क्या है? अगर यहां पर तीन है, ये छह है, ये चार है, ये आठ है, ये पांच है, तो क्या है? प्रोपोर्शनल अगर सही है तो होगा, बोलो यस या नो। यही है तुम्हारा पास थ्योरी। सिमिलर होने के लिए आपको मात्र दो कैटेगरी चाहिए, दो चाहिए,
एंगल एंगल एंगल, यानी तीनों एंगल बराबर हो, इसका वो उसका वो, क्लियर हो गया। अब हम लोग 6.3 के क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन कर देना चाहूंगा, या जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप लिखे तो हम लोग कर देंगे। समझ रहे हैं दिवाली का सही कैसे तुम लोग का नींद आ जाता है। तो हम लोग अब क्वेश्चन को करना चालू करेंगे और फिर इसकी एप्लीकेशन को बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर 6.3 की हम बात करें तो यहां पर 6.34 में कह रहा है कि सिमिलर है, तो कौन सा सिमिलर वहां पर यूज हुआ है उसका सैंपल बताना है। पेयर बाय पेयर, जबकि अभी मैंने क्वेश्चन को कर दिया था, पुश करो। ईडन गार्डन ओपनिंग कर, तो हम लोग देख रहे थे कि किस कैटेगरी के अनुसार यह सिमिलर है। तो यहां पर देखेंगे कि ये 60, ये भी वाला 60, 80, 80, 40, 40, यानी एंगल एंगल सिमिलरिटी से है। अब यहां पर देखेंगे कि एंगल एंगल सिमिलरिटी से है, क्वेश्चन नंबर ही छोड़ दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे कि इसको देखें घुमा देना है, ये वाला 2, 4, 2.5, 5 एंड 3, 6, यानी ये भी है किसके डिग्री के अनुसार है, साइड साइड साइड, यानी साइड प्रोपोर्शनल है। अगला हम बात करें ना तो यहां पर 2 का तो 4 मिल गया और 3 का 6 मिल गया, लेकिन अफसोस ये नहीं मिला, यानी यह सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है, बात समझ में आ गई है यार। अब यहां पर देखेंगे लॉजिकली, यहां पर देखते हैं कि क्या बात हो सकती है। तो देखो यहां पर देखोगे कि इसका इंक्लाइनेशन है 70, इसका भी 70, इधर से 5 है, ये 5, यानी 2.5 का ट्वाइस 5 है और 5 का ट्वाइस यहां पर 10 है, यानी हो जाएगा किस कैटेगरी से होगा, जल्दी बताओ, साइड एंगल। फिर तुम अभी ट्रिपल एस बोल रही थी, तुमको हम बोले ना कि एकदम आराम से बोलना है। यहाँ पर क्या है, ये साइड का रेशियो सेम है, ये एंगल है और ये साइड का रेशियो क्या है, सेम है। माने हम लोग को ये कोशिश करना है कि हम लोग कम से कम गलत हो, बुला जाए वो अलग चीज है, लेकिन प्रेशर रोकना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर साइड एंगल साइड से है, क्योंकि तीनों कैटेगरी आपके पास आ गया है, यही तो सिमिलर है। आपको इतना क्वेश्चन कर लेना है कि सिमिलर 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 आपको क्लियर हो जाए कि सिमिलर क्या वर्ड होता है। समझ में आया, या सिमिलर दो से ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए या तो ट्रिपल ए लगेगा, यानी एंगल एंगल इक्वल होगा, या तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगा, या साइड एंगल साइड, यानी दो साइड प्रोपोर्शनल होगा और उसका इंक्लाइनेशन एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 4 से हमको ये पाया कि ये जो है से आपको क्लियर हो गया कि सिमिलर होने के क्या चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 को। 5 में देखिए, 5 नंबर के क्वेश्चन को देखिए गौर से, ये 3 का 6 है और यहां 2.5 का 5 है, और ये एक समस्या आया है, ये वाला देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन छापने में, बुक में देखिए क्वेश्चन छापने में थोड़ी सी मिस्टेक दिख रहा है, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक देखिए क्या है, यहां पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल खुद फंस जाएगा, क्योंकि वहां पर 80 की चर्चा है, यहां पर ये है, यहां पर ये 80 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पर एक कॉमन चीज को देखना पड़ता है, क्योंकि ये वाला अगर इसके साथ है और ये 3 का यहां पर 6 है, तो इसके सामने वाला एंगल 80 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अफसोस ये वाला आपका क्या हो गया, गलत, माने सिमिलर नहीं है, क्वेश्चन सही हो गया। और कभी भी आप ऐसे नहीं इसको कर सकते हैं, जैसे ही ऐसे कर दीजिएगा तो ये अर्थ ले लेगा, ये देखिए 80 डिग्री है, थोड़ा सा फिगर को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर ले लेगा,
अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को। तो यहां पर देखेंगे कि देखिए लॉजिकली क्वेश्चन दिया है, 80 से 80 मिल गया, ये 30 है तो ये 110 कमा लिया, ये 70 यानी ये भी वाला 70 और ये वाला 30, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर वन समझने में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा। आया करने। अब हम बात करते हैं हली क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा टू और थ्री किसी का बस नहीं है, मैं अभी क्वेश्चन बुक में पढ़कर क्वेश्चन नंबर टू, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ रहा है ये अपराध होगा, क्योंकि हमने वादा किया है कि सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन बताऊंगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यहां पर देखिए आपको जो मैं फटाफट बता देता हूं क्वेश्चन नंबर टू को, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू की अगर हम बात करें ना तो क्वेश्चन नंबर टू आपके पास आ गया है। ये दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है दोस्तों, और उसके बाद क्या है कि ये वाला एसी है और दूसरा आपका यहां पर बीडी है, ये वाला बी है और ये वाला डी है। ये वाला देखो यहां पर तुम्हारे पास 125 डिग्री है और ये वाला 70 डिग्री है, 125 और क्या है 70 है। अब यहां पर क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, एक मिनट में तुमको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ये क्या कर रहा है कि ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी इसका कलर चेंज कर दोगे तो तुमको दिखने लगेगा दोस्तों ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, ट्रायंगल ओबीए, ओबीए, ये देख रहे हो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, बोलो यस या नो। और ये लाइन इससे पैरेलल है तो ये भी 60 डिग्री होगा, होगा और दो एंगल हो गया तो खेला हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भाई। यहां पर पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ डीओसी, डीओसी क्या होगा अगर ये 125 डिग्री है तो ये यहां पर 180 माइनस 125 हो जाएगा, बोलो यस या नो, बन गया कि नहीं बन गया। क्वेश्चन नंबर तीन की अगर हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें तो ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ये ए बी और यहां सी आई डी, ये ट्रेपेजियम है और ए सी बी डी, ए सी बिल्कुल है कि डायगोनल होगा, बी डी भी डायगोनल होगा और दोनों एक दूसरे को काट रहा है और कटिंग पॉइंट ओ है each other को। Using the similar OA by OC बराबर OB by OD, हम समझते हैं कि इसको तो आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर यहां पर यहां से यहां पर यहां पर ऐसे ऐसे मिला दो मिला दो मिला मिला दिया, अब एक ट्रायंगल हो गया। कलर चेंज कर देता हूं, कलर चेंज करता हूं, देखो ये ट्रायंगल बना कि नहीं बना, ये इसके पैरेलल है कि नहीं, 30/30 बराबर 30/30 होगा कि नहीं। अब ये वाला यहां पर होगा, ये वाला ऐसे तो 30/30 होगा कि नहीं, तो बात समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब नहीं आया तो ऐसे फिर भी देख लो ना, आया नहीं आया, ये इसके पैरेलल है, खेल से बात करेंगे काम हो जाएगा, बोलो। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर चार, चार नंबर तो लिख सकता है कि बोर्ड पर लिखा हुआ था, चार नंबर क्वेश्चन को देखिए बड़ा टेक्निकली है। अब इसको हम लोग चार नंबर को देखते हैं, चार नंबर यहां पर क्वेश्चन है, हैं चार तो अभी नहीं, यहां तो 14, 5, 6 आ गया, बताए थे कॉपी पर यार, तो कॉपी पर ही पार्टिकुलर है ना, तो दुनिया को दिखाना है कि चार नंबर क्वेश्चन क्या है, हैं? कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये क्यूआर है, यहां पर ये टी पॉइंट है, क्यूटीआर हो गया, पी एक पॉइंट है, यहां से एस गया और ये मिल गया, बन गया
एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो गया, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्यू आर क्यू एस, यह क्यू टी पी आर, एंगल वन इक्वल एंगल टू दिया हुआ है, यानी अब उसको साबित करना है, सिमिलर कर देना है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। अब हम लोग देखेंगे चार नंबर भी क्वेश्चन आ गया, किसी कारण से छूट भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकली क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस एक बार देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, एक लाइन का चीज है लेकिन क्वेश्चन फंस सकता है, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे रेक्टेंगल को तो ये साइड कलर चेंज कर देंगे तो आपको एक बार में दिख जाएगा। अब यहां पर देखिए ये साइड का इक्वल, क्योंकि एंगल वन बराबर एंगल क्या है टू है, देखिए क्या है, यानी अगर हम बात करें कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, इसका मतलब क्यू पी इक्वल टू पी आर है, बोलो यस या नो। और इन्फॉर्मेशन जहां तक जो गिवन दिया हुआ है वो यह दिया हुआ है कि क्यू आर इक्वल टू क्यू एस, यहाँ पर क्यू टू इक्वल टू पी आर के जगह पर क्यू पी लिखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है, है? अब इसमें बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे क्यू टी आर में, क्यू टी आर तो क्यू टी आर में देखते हैं तो क्या पाते हैं दोस्तों कि यहां पर पाते हैं क्यू आर और क्यू एस, क्यू टी और ये वाला क्या लिखे थे क्यू पी, बोलो यस या नो। इस ट्रायंगल को गौर से देखो, इस ट्रायंगल को गौर से देखो, ये ट्रायंगल को गौर से देखा, बोलो यस या नो, ये वाला क्यू आर है, ये वाला क्यू एस है, यहां पर तुम क्या लिखा है, ये वाला क्यू टू है, ये वाला क्यू पी है। हेल्स ने क्या कहा था पता है ना, कि अगर ये रेशियो सेम रहेगा तो ये वाला इसका पैरेलल होगा, होगा नहीं होगा, ये वाला जब इसका पैरेलल होगा तो ट्रायंगल क्या होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं, ये वाला एंगल कि नहीं, तो तुम लोग हम बताए थे कि ये जो है कॉरस्पोंडिंग एंगल कहलाएगा कि नहीं, ये एंगल कॉमन हो गया कि नहीं, तो ये चार नंबर सिमेट्री से आपका सिमिलर हो गया कि नहीं, आया कि नहीं आया है, अच्छे से चार नंबर भी आ गया है। अब देखते हैं कि पांच नंबर में आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो पांच नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पांच नंबर तो है लिखा, देखिए पांच नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ना, S and T are the point of side PR and QR. यानी आपको एक ट्रायंगल बना लेना होगा यहां पर PQR का, और यहां पर PQ पर यानी PR पर ये PR, इस पर S है, और QR पर ये T है, बोलो यस या नो, इसको मिला दो। अब यहां पर एंगल कह रहा है कि एंगल पी, यानी कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला एंगल पी है और यहां पर आर टी एस ये वाला है, आपस में इक्वल है, बोलो आपस में क्या है, तो इसको करना है सिमिलर, करना क्या, एक एंगल तो मिल गया, बोलो दूसरा मिड पॉइंट से मिल जाएगा क्योंकि वो पॉइंट दिया हुआ है, बोलो यानी ए वाला इससे पैरेलल हो गया, हुआ कि नहीं, तो 30 बटे 30 इक्वल टू 30 बटे 30 हुआ कि नहीं, बोलो कर देगा कि नहीं कर देगा। अब यहां पर तुम्हारे पास छह हम बात करें ना, तो इन फिगर ट्रायंगल ए बी, यहां देखो ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ये आपका जो है कॉन्ग्रेंट है, क्या है, यानी अगर कॉन्ग्रेंट है इसका मीनिंग ये हुआ कि ए बी जो है वो ए सी का इक्वल है, ये ए बी है ए सी का क्या है इक्वल। दूसरा यहां पर बी जो है, यहां पर ये बी जो है वह किसका इक्वल है, बी आपका सी डी का इक्वल है, बी क्या है, यहां पर साइड 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 कैसे, जल्दी बताओ कैसे,
साइड 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 से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, साइड 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 से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम सात नंबर लगता है आगे है ना, सात नंबर भी क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग सात नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि सात नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये भी जबरदस्त है दोस्तों, यहां पर एक फिगर है और सात नंबर ही तो इसका मेन था, सात नंबर ही मेन था और सात नंबर ही किसी कारण छूट गया है, छूटा तो नहीं है अभी तो हो ही जाएगा। ए और बी है और यहां पर ये सी है, इस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया, यहां पर इस पर परपेंडिकुलर डाला गया और क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहां पर ये कह रहा है, क्योंकि अब क्वेश्चन अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो मैं लिख दिया हूं, अब इसमें जो भी प्रूफ करना है फटाफट लिख देना है। एक ट्रायंगल है एईपी, वह ट्रायंगल जो है सीडीपी, दूसरा है यहां पर ट्रायंगल एबीडी, सिमिलर है ट्रायंगल सीबीई और तीसरा है ट्रायंगल एईपी, सिमिलर है ट्रायंगल एडीबी और चौथा है ट्रायंगल पीडीसी, सिमिलर है ट्रायंगल बीईसी का। ये देखो तुम्हारे पास बहुत ही इजी है, बस इसको गौर से देखो, ये 90 डिग्री है और नेक्स्ट वाला भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। पहला ए ही पी कह रहा है, यानी ये वाला ई है, ए ई यहां एईपी, ए पॉइंट पी मिला तो एईपी है, तो यहां पर एईपी ए बी वाला 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है, ए बी वाला 90 डिग्री होगा, बोलो यस या नो। यहां सीडीपी ए बी वाला 90 डिग्री होगा, ई वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, यानी ए वाला कॉन्ग्रुएंट हो, ए वाला सिमिलर हो गया, सिमिलरली इसी टाइप का सिमिलर तुम कर दोगे, बोलो। तो यहां पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ए बी डी, यहां पर ए बी डी ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा तुम्हारे पास ये 90 डिग्री हो गया, सी बी ई है, ये वाला ट्रायंगल है, गौर से देखो, ई वाला कॉमन है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, नहीं हो गया। तीसरा तुम्हारे पास है एईपी, एईपी ये वाला है और एडीबी ये वाला है, सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यहां पर ये वाला कॉमन हो जाएगा। अगला है पीडीसी, ये पीडीसी ये वाला है और यहां से है बीईसी, बीईसी ये वाला कॉमन हो जाएगा, बोलो हो गया। और यहां से पूछा है पीडीसी, पीडीसी 90 डिग्री है, ई वाला 90 डिग्री है, यानी कॉमन हो गया, बन जाएगा। अगर दोस्तों अगर आप लोग इस चीज को पढ़ लिया है तो आप लोग से बन जाएगा, एक बार बना के देखें बाकी क्वेश्चन को, अगर नहीं बनता है मैं क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर देता हूं, क्वेश्चन को एक बार बना के देखिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको किया जाएगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, यानी आपने जो 7-8-9-9 बजे बना के देखिए, अगर नहीं बनेगा इसको फिर दोबारा बताया जाएगा। बन जाएगा ना बाकी, नहीं सर लोग को जाना है ना।